प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के कप्तानगंज ब्लॉक का चयन किया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के मानक 750 मिमी प्रतिवर्ष से अधिक वर्षा वाले विकास खंडों में जिले का एकमात्र ब्लॉक कप्तानगंज को चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत 385 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें से 285 निःशुल्क बोरिंग सामान्य जाति तथा 100 अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों का लक्ष्य है। महिला किसानों को वरीयता दी जाएगी और इसके अलावा 48 मध्यम गहरी बोरिंग का लक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिसमें से 40 सामान्य तथा 8 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के किसानों के नलकूपों पर 5 HP के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना की जाएगी और उसके लिए अधिकतम ₹3,85,000 अनुदान दिया जाएगा और इस प्रकार कुल 4,70,000 रुपए का अनुदान अनुमान होगा। सोलर पंप यूपी नेडा से अथवा उनके द्वारा पंजीकृत वेंडरों से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयन में महिला किसानों को वरीयता दी जाएगी एवं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कप्तानगंज ब्लॉक पर तैनात लघु सिंचाई के अवर अभियंता सहायक अभियंता से संपर्क किया जा सकता है। ये कप्तानगंज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सर नमस्ते, हमारा भी अरे ये तो वहाँ पर भी आए थे, क्या नाम उसका, कुदरा में भी आए, बादलपुर आए थे। अरे भीड़ मत लगाओ यार, थोड़ा दूर हो जाओ, छोड़ो विश्वनाथ, मैं कर दूंगा यार।